गुरुकुल में आज विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ा हुआ था, क्योंकि परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। कई छात्र प्रसन्न थे तो कई मुंह लटकाए भी खड़े थे। उनकी प्रसन्नता और उदासी अकारण नहीं थी। जो छात्र उत्तीर्ण होते उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलना तय था, परंतु अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को न केवल गुरुकुल ही छोड़कर जाना पड़ता, बल्कि आचार्यों की खरी खोटी भी सुननी पड़ती। क्यों रे मूर्ख, तू फिर अनुत्तीर्ण हो गया? तुझे मैंने समय रहते समझाया था ना कि यदि इस बार उत्तीर्ण ना हुआ तो गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक आचार्य एक किशोर विद्यार्थी को डांट रहे थे और वह बेचारा चुपचाप सुन रहा था। डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधान आचार्य से निवेदन किया, आचार्य देव, मैंने अपनी तरफ से तो पूर्ण प्रयास किया था, परंतु निर्बल स्मरण शक्ति के कारण मैं जो कुछ भी याद करता हूँ उसे थोड़ी देर बाद ही भूल जाता हूँ। कृपया मुझे एक अवसर और देने की कृपा करें। यदि तुझे कुछ स्मरण ही नहीं रहता तो फिर तू कैसे उत्तीर्ण हो पाएगा और तेरे विद्या अध्ययन करने का भी क्या लाभ होगा? यदि देवता भी तुझ पर कृपा करें ना तो भी तुझ जैसे जड़ बुद्धि को उत्तीर्ण नहीं करा सकते। आचार्य ने अपने इन तीव्र शब्दों के साथ वरदराज की खूब बुराई की और उस पर चिल्लाते हुए उसे गुरुकुल से बाहर निकल जाने के लिए कहा। कक्षा के सभी छात्र उस पर हंसने लगे। वह बेचारा भी अपना मुंह लटकाए बोझिल कदमों से वहां से निकल गया। अनेकों प्रश्न उसके मन में उथल पुथल मचाए हुए थे। कैसे वह अपने घर लौटेगा? माता पिता को जाकर क्या उत्तर देगा? जब लोगों को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है तब वह कैसे उनका सामना कर पाएगा? वरदराज का हृदय बैठा जा रहा था। आखिर उसने अपनी ओर से तो भरसक प्रयत्न किया था, रात रात भर बैठकर पढ़ाई की थी, लेकिन यदि फिर भी उत्तीर्ण ना हो सका तो वह क्या कर सकता था? सवालों के भंवर में फंसा वह अब अपने गाँव के पास ही आ पहुँचा था, पर क्योंकि धूप बहुत तेज हो चली थी इसलिए उसने थोड़ा विश्राम करने का निश्चय किया। गर्मी की इस तपती दोपहर में सूरज की तेज रोशनी सबको जला रही थी, पर यहाँ भूख भी उसे बेहाल किए हुए थी, इसलिए पास के कुएं की जगत पर बैठकर ही उसने सत्तू खाने का निश्चय किया जिसे वह गुरुकुल से लेकर चला था। कुएं पर कई लोग खड़े थे, प्यास के मारे सब बेहाल थे, इसलिए बार बार डेंगची कुएं में डालते और शीतल जल निकाल कर पीते। रस्सी के बार बार रगड़ने से कुएं के किनारे लगा पत्थर भी घिसने लग गया था। लोग जितना पानी निकालते पत्थर उतना ही घिसता जाता। वरदराज चुपचाप बैठा यह सब देख रहा था। अचानक ही उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा, यदि केवल जूट की बनी एक रस्सी से कठोर पत्थर घिस सकता है तो यदि मैं परिश्रम करूं तो क्या सफल नहीं हो सकता? आखिर दिमाग पत्थर से ज़्यादा कठोर तो है नहीं। वरदराज के मन में आशा की ज्योति जगमगा उठी। वह उठ खड़ा हुआ और तुरंत ही उसने निश्चय किया कि वह वापस गुरुकुल लौट जाएगा और फिर से अध्ययन आरंभ करेगा। वह घर के समीप आ गया था, पर घर न जाकर वापस गुरुकुल लौट आया। उसके साथी उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। उसकी बात सुनकर आचार्य ने पहले तो उसे बहुत झटका और उसकी बहुत बुराई की, पर फिर उसके बहुत अनुनय विनय और प्रार्थना करने पर द्रवित होकर उसे गुरुकुल में दोबारा प्रवेश दे दिया। इस बार वरदराज ने अध्ययन में रात दिन एक कर दिया और जब परीक्षा का परिणाम आया तो संपूर्ण गुरुकुल स्तब्ध था। वरदराज न केवल उत्तीर्ण हुआ था बल्कि उसने संपूर्ण विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक समय जड़मूर्ख समझे जाने वाला यह बालक आगे चलकर संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने कई अद्वितीय ग्रंथों की रचना की। छात्र उसका शिष्य बनना गौरव की बात समझते थे, पर यह सब किसी जादू से संभव नहीं हुआ था। यह आश्चर्यजनक परिणाम उपजा था संकल्प की अमोघ शक्ति से। कठोर परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर ही यह असंभव कार्य संभव हुआ था। कामयाब लोग गलत नहीं कहते, निश्चय ही संकल्प सफलता का प्रथम सूत्र है। सच्चा संकल्प एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता। यदि हम किसी भी कार्य को करने का संकल्प कर लें तो ऐसा कौन सा अवरोध है जो उसके मार्ग में चट्टान बनकर खड़ा हो जाए? निसंदेह कुछ भी नहीं। करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सकती जिसका वह वास्तव में हकदार है। यदि मन अपनी पूर्ण क्षमता में जागृत है तो हर चीज पाई जा सकती है, पहाड़ों को भी खाक में मिलाया जा सकता है। संकल्प दूसरी किसी भी चीज से ज़्यादा शक्तिशाली है। प्रबल इच्छा शक्ति के सामने हर चीज को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि यह सीधे भगवान से आती है। एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प सर्वशक्तिमान है।